बात कर रही हूँ। मिस्टर मो ने वेकअप कॉल के लिए बात किया था। मिस्टर मो, मैं हूँ शू कियांगू, लेमी के ऑपरेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, और मैं 30 की होने वाली हूँ। कहा जाता है कि 30 की उम्र में औरत के चेहरे पर झुर्रियों की नजर पड़ जाती है, और इसे रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि हर एक चीज अपनी चॉइस की करना। 30 की उम्र में खूबसूरती का क्या राज होना चाहिए? मेरा जवाब है, बस खुद को सेटिस्फाई करो। क्या बात है, आज चांद सुबह निकला। तुम इतनी जल्दी काम करती हो, तुम इतना काम करती हो तो हम वेडिंग को प्रीपोन कर सकते हैं। तुम नौकरी छोड़कर मिसेस फैन बन सकती हो। और मुझे होटल में भी रहने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं समझती हूँ कि तुम अकेले सब कुछ संभालते हो, पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। सही कहा ना? छोड़ने के बारे में कहता हूँ तो तुम टॉपिक चेंज कर देती हो। मर्दों के पैसे भी जीना ये औरत का सपना होता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सिर्फ मर्दों को लगता है। हेलो शू, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मुझे रिपोर्ट सही क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि चैनल का एक्सपोजर कम है और कॉस्ट ज्यादा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी और वो तुम ही देखोगी। हम ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? दरअसल हमारा प्रोजेक्ट गोल्डन कैपिटल के जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉई है उन्होंने चुरा लिया, और जाओगे अभी दिया रजिस्ट्रेशन। तुम चिंता मत करो, वो ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हें लोकेशन पर मिलता हूँ। मिस्टर मो, हमने हर जगह जिया ऋषि को ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कोडर है, पर असल में वो एक सुपर ओटाकू है। ठीक सुबह 8:30 बजे वो सीट्स पर ही आकर अपना नाश्ता करता है, ये बात एकदम कंफर्म है। बोलिए मिस्टर जाय। शिंग्यो, तुमने मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट का प्लान चेंज करने के लिए कहा था, क्या ये बात सच है? तुम्हें पता है हेलो मिस्टर जाय, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हेलो, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, गलती से मेरा पैर। नहीं कोई बात नहीं, जेवसी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I'm सॉरी, रुकिए मैं साफ कर। इट्स ओके। नहीं तो मैं नया ले देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। हाँ? ये ट्रिक पुरानी है। मुझे माफ कर दीजिए।
ये खाना मुझे बहुत पसंद है। तुमने कभी ट्राई किया है? वाओ, ये बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ का नॉनवेज खाना भी बहुत अच्छा है, हमें ट्राई करना चाहिए। ओ हेलो, मैं तो बस एक ही चीज के बारे में जानता हूँ। तुम सब में से पहले मुझे इन्वेस्टमेंट में पैसे कौन दे? क्या आपको पता है कौन सा सीजन चालू है? विंटर सीजन चालू है अभी, और हमारे जैसे स्टार्टअप के लिए हर एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसे देखो, ये गोल्डन कैपिटल का एग्रीमेंट है, सारे क्लॉजेस एक जैसे। अगर आपने साइन किया तो प्रोसेस जल्दी कम्प्लीट होगा। आप एक बार अग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लेना, अगर ठीक लगे तो ही साइन करना। हाँ हाँ, सही कहा। इसके लिए एक महीना लगता है, नहीं तो डेढ़ महीना। तुम्हारे प्रोडक्ट्स काफी होमोजीनियस है और वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट चैनल पर डिपेंड है, और तुम्हें नहीं पता इसमें कितना रिस्क है, और तुम चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं और तुम पर भरोसा करूं। वैंग जी, ये तो बस एक कागज है। मिस्टर मो, सच में बताइए, ये मजाक है ना? मुझे लगता है आपने बेकार में ही अपनी एनर्जी वेस्ट की है। सीधा मुद्दे की बात कीजिए, मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। इसमें वो सारे प्लान्स हैं जो तुम्हें चाहिए, इससे तुम शैंगर कैपिटल को समझ सकते हो। मिस्टर मो, सच में आप तो बहुत बदल गए। मिस्टर लीन की लड़की आपको पसंद करती है, आप पार्टनर बन सकते हैं। ये अजीब है कि आप अभी भी छोटे कंपनी में काम करते हैं, इससे अच्छा पार्टनर बन जाओ। मुझे आपका पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पर मैं शैंगर कैपिटल को अच्छे से लीड कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि हम कम समय में गोल्डसन के आगे जा सकते हैं। मिसेज आओ, आप नर्वस मत होइए। जिया, तुम अच्छे से प्लान पढ़ लेना और मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं। हाँ मिस्टर जिया, ये है आपके बेटे का पसंदीदा कार्ड। मिस्टर मोने इसे स्पेशली ऑथर से साइन कर रहा हूँ ताकि आपको पसंद आए। ये बहुत अच्छा है, उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। इस पीरियड में 90% अकाउंट्स रिसीवेबल और बाकी का प्रीपेमेंट हो चुका है। डायरेक्टर लॉन्ग, अगर हम इसी तरह ऑर्डर करते रहे तो हमारा परफॉर्मेंस सक्सेस हो सकता है। सही है। डायरेक्टर लॉन्ग, हमारी मीटिंग अब 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, आपको कुछ चाहिए? यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, और हाँ, आपका परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे लगता है हमें जल्दी मिलना पड़ेगा। श्यामेंग सुनो, डायरेक्टर शू तो अभी शादी कर लेगी, वो भी एक लॉयर से, और देखना वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे साथ काम कर लो, तो आइडियाज भी अच्छे आएंगे। क्यों तुम सपने देखना बंद करो और हंसना भी, यह मजाक नहीं हो रहा। और एडवर्टाइजिंग के बारे में बताओ तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है और मेरा पास हो गया। लगता है तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली गई। अगर मेरे प्लान फेल होते तो मैं देख लूंगा, तुम मेरे कामों से दूर रहो तो बेहतर होगा। डिपार्टमेंट 1 और 2 के प्लान्स टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास है, और उन्होंने कहा है जो कोई भी ऑनलाइन टेस्ट पास करेगा उसे चुना जाएगा। समझ आया? सही कहा, ये पहले ही डिसाइड हुआ था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनाऊं? तुम ना हमारी प्रॉब्लम काम के बीच में मत लाओ, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम ही क्रिएट कर रही हो। डायरेक्टर लॉन्ग, तुम हमेशा जिम्मेदारी से दूर क्यों भागते हो? मैं आपको बता दूं कि 10 बजे हमारी मीटिंग है, तो तैयार रहो। इधर देना कचरा, अपने पास ही रखो। समझ गए ना? इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुनो, क्या तुम ये बात जानते हो कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो पिछले 10 सालों से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी आइडिया है? वो मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनके पास है। मुझे तो लगता है कि वो इंसान काफी हैंडसम है। तो क्या तुम उनका नेचर जानते हो? स्ट्रिक्ट है या नॉर्मल है? क्या वो बॉसी है या काफी स्वीट है? मुझे दोनों भी चलेगा। क्यों ना तुम अपने काम पे ध्यान रखो, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। पहले इसे फिनिश करो। पता है, ये लॉन्गजिन दिन ब दिन एरोगेंट होता जा रहा है, वो उसकी पोजीशन लाइटली ले रहा है। तुम भी मैनेजर बन सकती हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो तुम गुस्सा मत करो शिंग्यू, सबने कहा तुम जॉब क्विट करोगी और अमीर बनोगी, ये सच है? मैं अमीर तो जरूर बनूंगी, पर मैं काम फिर भी करूंगी, समझी पगली? मैं जानती हूँ तुम छोड़कर नहीं मैं जाओगी। इसे चेक करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ।
डायरेक्टर शो, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? लेमी कंपनी के पकड़े गए फेक कॉस्मेटिक्स। वेबियो ने पब्लिश किए हुए सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेलिब्रिटी इंस्पेक्शन के दौरान पाए गए फेक। क्या हमारे प्रोडक्ट्स फेक है? सब ध्यान से सुनो, रिप्लाई मत करना और कोई भी पोस्ट मत करना। ये क्या कंपनी अनाउंसमेंट नहीं करती? जल्दी करो, मुझे अभी का भी सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? जल्दी मिस्टर जाय, ये बात तो क्लियर है, ये सारी चीजें हमारे ब्रांड पर नेगेटिव इंपैक्ट लाएंगी। ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और ये सारी हमारे कॉम्पिटिटर्स की बड़ी चाल है। ब्यूटी मेकअप हमारे अंडर है तो ये सारी प्रॉब्लम भी मैं हैंडल करूंगी। शेंगर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो गया, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है और तुम्हें इस बात पे पूरा ध्यान देना। मैं देखती हूँ। देखो शू, मेरी बात सुनो, ये फैन युंगशी एक नंबर का धोखेबाज है। आज डिनर साथ करेंगे, मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है। यू? हाँ, शाम को मिलते हैं। डोंगबाओ, विसल ब्लोअर को ढूंढना और उससे बात करना। शिया मैं रिकॉर्ड्स वेरीफाई करूं। यू मैं लॉयर से बात कर लूं। चौपा, ब्रांड डिपार्टमेंट से कहो पीआर रेडी करे। जॉब छोड़कर मिसेस फैन बन सकती हो। यू, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उस दिन कुछ ज्यादा हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मुझ पर भरोसा करो। शादी को बस 3 महीने बचे हैं और तुमने मुझे चीट किया।
रिकॉर्ड ब्रेक किया। देखो वो आ गया। हे मो, देखो ये वही है जिसने अभी अभी तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ा है। सॉरी। सुनिए, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हैं, कुछ भी मांगिए, समझी? बस थोड़ी देर और रुको। मिस, क्या मैं आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूं? क्या मैं उनसे पूछूं कि वो आपको पिक करे? अरे आपने क्या कर दिया, इसे फेंक दिया। हाँ, टूटे हुए को क्या ही तोड़ोगे। मिस्टर मो, कोई बात नहीं, तुम जाओ। थैंक यू मिस्टर मो। तुम नंबर टू हो ना। जरा सुनिए, अपने आप को संभाल लिया। क्या मेरे निशान किधर है? तुम सारे के सारे बॉस लोग, तुम सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हो। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और एक दे दूंगी, और एक किस, परफेक्ट, एकदम नहीं। रुको तो देती हूँ। नहीं ना, भूल मत जाओ, मैं आज तुमसे कुछ भी करवा सकती हूँ। सही कहा ना? मुझे मत देखो, मैं कुछ नहीं करने वाली। ये बार है, इसके बहुत से नियम हैं। रूल तो रूल होता है। तो आज रात तुम मेरा कहना मानोगे? तुम कहाँ रहती हो?
मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो मेरा सीक्रेट सुनो। मैं सीजिया, और मुझे पता चला जिसे मैंने 10 साल प्यार किया, सबसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड, उसने मुझे धोखा दे दिया। इतने साल मैंने यही सोचा कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर आज मुझे पता चला कि हम इतने लकी होते ही नहीं। हमारा सच्चा प्यार हमें कभी नहीं मिलता है ना। सुनिए मोहतरमा, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी। चलो मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ, अगर फेस अप आया तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और अगर अपसाइड डाउन आया तो पुलिस के हवाले। ये अपसाइड डाउन है, चलो पुलिस के पास। फेस अप। ये अपसाइड डाउन है, फेस अप नहीं। क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? देखो ये सब बकवास मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे घर नहीं जाना। आज लेट हो गया। मैं बता रहा हूँ लेट ही हो रहा है। टेक योर टाइम, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। तुम देखो इसे ऐसा कर। जी सर। हाँ ये देखो सही है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग शिंग्यू। ये आफ्टर सेल्स का फीडबैक है। इनवॉइस और ऑथराइजेशन कोड जो कन्फर्म हुआ था वो सारी जानकारी सच है। इसल ब्लोअर को ढूंढो और देखो वो क्या चाहता है, और समझदारी से बात करना और मुझे बताना वो क्या चाहता है। हाँ। जाओ। अब बुरी आदत छोड़नी होगी। मुझे फाइल देती ना वो मुझसे गुम हो गई। ओके ठीक है। मेरी प्यारी शू, तुम्हारा खाना आ गया। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है? ब्रेकअप हुआ क्या? उस कमीने फैन युंगशी के कन्विंसिंग पावर ने तुम्हें फिर से मना लिया ना?
मुझे खुद को वक्त देना है ताकि मैं उसे पूरी तरह से छोड़ सकूं। मैं उसे याद नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें धोखा दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है और वही सारी गलतियां बार बार दोहरा सकता है। वैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने वीचैट ग्रुप पर पार्टी के फोटोज ना अपलोड किए होते तो शायद मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता, है ना? हाँ श्याम, मैं हेलो, विसल बुलर ने कहा है कि उन्हें तुमसे बात करनी है। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ मैं आती हूँ, सॉरी पर मुझे अभी जाना पड़ेगा। खा कर तो जाओ, बाद में खा लूंगी। अरे वैसे तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी फैसला तो नहीं लग रहा। पब्लिकली माफी मांगो और वीडियो डिलीट करो। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम्हारी 16 वीबो अकाउंट्स है और 2015 से तुम ये गैर कानूनी अकाउंट्स चला रहे हो और तुम्हारा एक ही मकसद है, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को डिस्क्लोज करना और उनसे पैसे मांगना। पिछले कुछ सालों में तुमने 20 कंपनियों को डिस्क्लोज किया है और अगर मैं सही कह रही हूँ तो तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल के पैसों पे जीते हो, है ना? वैसे वो पैसे देने के लिए राजी है क्योंकि उन्हें पता है ये उनकी गलती है। मैं तो यहाँ बस सबको न्याय दिलाने में लगा हूँ और इसमें कोई मुझे शर्म तो है नहीं। सच में? तो तुमने गलत कंपनी को चुना है। लेमी का सब बिजनेस क्लियर है और मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और वक्त आने पर मैं उन्हें कोर्ट में दे दूंगी। और रही बात फेक प्रोडक्ट्स की, तो लेमी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है और तुम्हें ये सारी खबर न्यूज चैनल पे मिल जाएगी अगर तुम जेल गए तो। कॉफी पी लेना, वेस्ट मत करना। मैं चले? हाँ ठीक से सोचना। मिस्टर जाय, मुझे लगता है वो मेरी शर्तें मानेगा और माफी मांग लेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम उस पर ध्यान दो और जल्दी आ जाओ और मुझे रिपोर्ट करते रहो। हाँ वो ब्लैकमेलिंग में कितना एक्सपर्ट है ना। तुम्हें सच कहूँ तो उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो काफी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। सुनो मैं, तुमने मुझसे कहा था कि उसके सारे परचेस रिकॉर्ड्स असली हैं। हाँ, क्योंकि उसने सारी प्रोसेस ऑलरेडी फिल्म की थी। ठीक है, तुम यहाँ से ऑफिस जाओ और सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करो, मुझे कहीं पहुँचना है। हाँ सुनो, जरा गाड़ी साइड में लगाना। ओके मैम। आपका हमारे कंपनी में स्वागत है। हेलो मिस्टर वैन। हेलो मिस वैन, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा बिजी था अपने कंपनी के नेगेटिव न्यूज लेकर, दिमाग खराब कर दिया। मैंने सुना कि लेमी के लोग इस मामले में काफी छानबीन कर रहे हैं। लेमी का इन्वेस्टर होने के नाते हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आपने कहा था कि आप 3 दिनों में फीडबैक देंगे, वो सब कैसा चल रहा है? समझ लीजिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनो, पहले मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। आइए। यह हमारे कंपनी का कोर ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 102। अभी आप जो देख रहे हैं वो हमारा रिसेप्शन एरिया, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट। यह हमारे डायरेक्टर शू का ऑफिस है। डायरेक्टर शू? हाँ, वही जिनके ऊपर फेक चार्जेस लगे हैं। रूल तो रूल होता है, तो आज रात तुम मेरा कहना मानोगे? आइए मिसमो इस तरफ। हाँ मिस्टर जाई, शैंगर ने आपकी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि हमें लेमी का डेवलपमेंट पोटेंशियल पता है। एक इन्वेस्टर होने के नाते मुझे रिस्क के बारे में पता है और कंपनी के बुरी न्यूज के वजह से मार्केट वैल्यूएशन कम हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है
उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मीटिंग शुरू हो गई है। मिस्टर मो, आप हम पर भरोसा रखिए, लेमी सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। जिसने भी हमें फंसाया है वो सामने जरूर आएगा, डायरेक्टर शू सब कुछ संभाल लेंगे, और हमारे हिसाब से यही सबसे सीधा और आसान तरीका रहेगा। आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये डायरेक्टर शू, यही फेक क्राइसिस के इंचार्ज है। हेलो डायरेक्टर शू। हेलो शोपांग, इसे प्ले करो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये उसी विसल ब्लोअर का वीडियो है। ये तो सरप्राइज है। ये देखो, इसमें तो लेडी नहीं है, लेमी का प्रोडक्ट है ना। मुझे लगता है उनके सारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे ही होते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इसे वेरीफाई किया है और ये एडिटेड नहीं है। अब अनबॉक्सिंग और इंस्पेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब बची बस एक जगह, वेयरहाउस। ये आपके सामने है लेमी के वेयरहाउस का सीसीटीवी फुटेज, इसे ध्यान से देखिए। इस विसल ब्लोअर ने इसमें काफी चलाकी से काम किया है। परचेस रिकॉर्ड्स और प्रोडक्ट नंबर एकदम ऑथेंटिक है, पर इस वीडियो के अनुसार उसने वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स ही बदल दिए हैं। उसने खुद ये बात मानी है और मैंने उसे कहा है कि वो लेमी से पब्लिकली माफी मांगे, नहीं तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। मिस्टर जाय, वेयरहाउस कीपर की विसल ब्लोअर के साथ पुरानी पहचान है, उसने ही चुपके से प्रोडक्ट बदले। उसका कंजम्पशन रिकॉर्ड इतना गंदा है कि वो कर्ज में डूबा है, और मेरे हिसाब से उसने कर्जा चुकाने के लिए ही गलत रास्ते को चुना। उसकी वजह से ही कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसके साथ क्या करना है ये सारा डिसीजन कंपनी का है। उसने माफी मांगी, विसल बोलर ने कबूल किया, उसने वीबो में वीडियो पोस्ट करने की माफी मांगी। शू, बहुत बढ़िया। थैंक यू मिस्टर जाय, आप सभी का शुक्रिया। शू, उन्हें छोड़कर आओ प्लीज। जी मिस्टर मो, इस तरफ। डायरेक्टर शू, मैंने आपको कहीं देखा है शायद, पर मुझे ठीक से याद नहीं। सच में? शायद कोई और होगी। शायद हो सकता है, पर क्या आपने मुझे देखा है? नहीं तो। डायरेक्टर शू, आप शायद कुछ भूल रही हो।